हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका हम पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। आपकी एक एक्सरसाइज बची रह गई है, एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। इससे पहले आई होप आपने जो बेसिक्स है वो अच्छे से समझ लिए होंगे, और उसके बाद हमने एक और एक्सरसाइज 3.1 3.2 कर ली थी, तो हम आज करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3। चलिए, तो दो ही क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज में, बहुत सिंपल सिंपल सा है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है इस एक्सरसाइज का, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, हमारे को पांच पॉइंट दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ब्रैकेट में, ठीक है। लाइक मतलब ये जो पॉइंट्स हैं जिनके क्वाड्रेंट दिए गए हैं, ये पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में आते हैं या फिर किस एक्सिस पे आते हैं, ये हमको बताना है, ठीक है। और फिर बताने के बाद में हमको वेरीफाई भी करना है, एक्चुअल में इन पॉइंट्स को लोकेट करना है कार्टेशियन प्लेन पे, और लोकेट करने के बाद इनको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है, क्लियर। तो चलो थोड़ा सा एक और बार बेसिक्स जान लेते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ब्रैकेट में किसी भी पॉइंट की अगर कोई होगा तो उसकी जो वैल्यू होती है, पहले हम एक्स क्वाड्रेंट की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की लिखते हैं। तो x एक्सिस पे देखो इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू है और y पे भी ऊपर की ओर पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यूज प्लस की, तो इसका मतलब किसी पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स जो है अगर पॉजिटिव हो वैल्यूज तो वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। चलिए अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित बिंदु का पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, नीचे देखो ये नेगेटिव है, मतलब x वाली वैल्यू माइनस की होगी, और फिर लिखेंगे बाद में y कोऑर्डिनेट, वो वैल्यू प्लस की होगी। तो मतलब दिए गए कोऑर्डिनेट्स में से पहली वैल्यू x वाली जो है माइनस की हो, y कोऑर्डिनेट प्लस का हो, तो जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्लियर है। चलिए अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो पहले हम x कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू लिखेंगे, तो x कोऑर्डिनेट देखो x एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू माइनस की होगी, ये माइनस का x एक्सिस है, और y एक्सिस पे भी वैल्यू माइनस की होगी, नीचे की हो रही है ना, तो दोनों वैल्यूज यदि माइनस की होती है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट बिलोंग्स टू द थर्ड क्वाड्रेंट। और इसी प्रकार से अगर कोई भी पॉइंट चौथे क्वाड्रेंट में आता है तो बच्चों पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट देखो हमारा x एक्सिस पे वैल्यू पॉजिटिव होगी और y एक्सिस पे हमारी नेगेटिव वैल्यू होगी, तो पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, तो प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये अपोजिट है, प्लस प्लस माइनस माइनस, और प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चों यहां हम सिर्फ साइन देके फटाफट बता सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज, दोनों वैल्यूज में से अगर कोई एक वैल्यू जीरो हो, कोई एक वैल्यू, तो ध्यान देंगे वो बिंदु बच्चों एक्सिस पे आता है, वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे देखो इसमें ये वैल्यू जीरो है, थर्ड वाले पॉइंट पे देखना ये वैल्यू जीरो है। अब कौन सी वैल्यू जीरो है तो कौन से एक्सिस पे आएगा, ध्यान से सुनेंगे, इफ एनी पॉइंट हैज एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, यदि एक्स कोऑर्डिनेट मतलब पहली वाली वैल्यू जीरो होती है तो एक्स एक्सिस पे नहीं आता, वो दूसरे एक्सिस वाई पे आता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होने से देन इट लाइज ऑन द वाई एक्सिस, क्लियर है। तो अगर किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो बिंदु आएगा वाई एक्सिस पे। इसी प्रकार से इफ एनी पॉइंट हैज वाई कोऑर्डिनेट जीरो देन इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, मतलब समझ में आ गया, जो भी कोऑर्डिनेट जीरो हो उसका दूसरे वाले एक्सिस पे आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है द पॉइंट विल लाई ऑन वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है द पॉइंट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस। ये जानकारी हमको चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए तो अब मैंने पॉइंट जो है इन पॉइंट्स को नाम दे दिया, पहला पॉइंट ए बी सी डी एंड ई, पांच पॉइंट, तो ए बी सी डी, फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट -24, ये रहा -24, सेकंड -3 -1, -3 -1, थर्ड -1 0 -1 0, फोर्थ 1 2 1 2, फिफ्थ -3 -5 -3 -5, यहां तक क्लियर है आपको। चलिए पहली वैल्यू देखेंगे, देखो माइनस प्लस, पहली वैल्यू है माइनस प्लस, तो मुझे बताओ माइनस प्लस का मतलब क्या हो गया, देखो ये रहा माइनस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो ये आ जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट, फिर सेकंड वाला जो पॉइंट है देखेंगे ये पहला प्लस का है दूसरी माइनस की वैल्यू, तो प्लस माइनस का है, प्लस माइनस, ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस, तो यहां लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तीसरी वैल्यू में देखो y कोऑर्डिनेट जीरो दिया है, तो अगर y कोऑर्डिनेट जीरो होता है द वैल्यू विल द पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस, तो यहां लिख देंगे x एक्सिस। अब x में भी माइनस है तो नीचे जो x एक्सिस लेफ्ट वाला साइड इस तरफ आएगा माइनस में, ठीक है ना, माइनस वन यहाँ आ जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस प्लस, वन और टू दोनों प्लस किए तो प्लस प्लस वाला कौन सा होता है कोऑर्डिनेट नंबर वन, तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट, और दोनों माइनस माइनस है -3 -5, तो माइनस माइनस आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये वैल्यू थर्ड में आ जाएगी, क्लियर है। तो बच्चों हमने सारे के सारे जो पॉइंट्स थे पांचों उसके लोकेशन लिख दी, चार तो क्वाड्रेंट पे आएंगे और एक आएगा एक्स एक्सिस पे। अब वास्तव में इसको प्लॉट भी करना है, तो चलिए हमने दो एक्सिस बना दिए, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हमारा
वर्टिकल एक्सिस, चारों दिशाओं में हमने इधर प्लस में 5 तक नंबर लिख दिए, इधर 5 लिख दिए, इधर -5 तक, इधर -5 तक, जीरो से स्टार्ट होते हुए। ठीक, पहला पॉइंट हमारा -2 और 4 है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट, -2 4। तो x एक्सिस पे जो पहली वैल्यू है -2 x एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो x से तो -2 की सीधाई में डॉटेड लाइन खींच ली, और y एक्सिस पे 4, ये रहा प्लस का 4। तो ये दोनों पॉइंट जहां मिलते हैं वो पॉइंट हमारा पॉइंट ए हो गया, और इस क्वाड्रेंट की वैल्यू और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है -2, 4, पहले x कोऑर्डिनेट ब्रैकेट में, फिर कॉमा y कोऑर्डिनेट, समझ में आ गया। चलिए दूसरा, तो यहां पॉइंट ए नाम दे दिया, ये वाला पॉइंट ए है सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, अब बी आएगा 3 और -1, तो 3, तो x में तो 3 और y में -1, तो x में 3 का है, देखो x में 3 इस तरफ है, और y में -1 नीचे आएगा, तो ये रहा देखो, x में तो 3 की सीधाई में और y में -1 की सीधाई में, पॉइंट ये b पे मिल गया, तो b पॉइंट है -3 और -1, ये आ गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। देखो फोर्थ में है ये, ठीक है, ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब तीसरा है -1 और 0, तो x एक्सिस पे आएगा ये, ठीक, तो क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है तो यहां 0 से चलेंगे, और x एक्सिस पे चलना -1, तो यहां से x एक्सिस पे -1 लेफ्ट साइड में आता है, तो ये देखो ये रहा पॉइंट, तो देखो ये है पॉइंट सी, x कोऑर्डिनेट -1 एंड y कोऑर्डिनेट 0, तो अगर y कोऑर्डिनेट 0 तो x एक्सिस पे आएगा, x कोऑर्डिनेट 0 होता तो y एक्सिस पे लेना, ठीक। तो सीधी बात है, y कोऑर्डिनेट 0, तो x में जो वैल्यू दी, अब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -1 है, तो x एक्सिस पे -1 पे लगा देना, समझ में आ गया। इस प्रकार से मान लो कहीं पे 0 हो जाए और y कोऑर्डिनेट कुछ दे दे, तो y एक्सिस की जो वैल्यू होगी उस पे लगा देना, पॉजिटिव है तो ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे। अगला डी वाला है 1 और 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो x में तो 1 पहली वाली वैल्यू और y में 2 की सीधाई में, तो 1 और 2 आ गया। और लास्ट पॉइंट -3 -5 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो x में पहली वैल्यू x है, x में तो -3, ये रहा -3, और y में -5, ये रहा, तो -5 की सीधाई में और -3 की सीधाई में जहां पॉइंट मिल जाए, पॉइंट ई है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। तो बच्चों इस प्रकार से हमको प्लॉटिंग आनी चाहिए, और बिना प्लॉटिंग के हमको पोजिशन या लोकेशन भी पता होनी चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट अथवा किस एक्सिस पे आएगा। तो ये तो बच्चा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये भी प्लॉटिंग से रिलेटेड ही है। प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई, तो पहला जो ब्रैकेट में ये एक्स वाई ऐसे से जोड़े लिख लेंगे ब्रैकेट्स में, ये एक्स, ये वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, तो ये पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको प्लॉट करना है टेबल में, जो पॉइंट्स दिए उनके जोड़े को एक प्लेन पे, ठीक है, और कोई सूटेबल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम 1 cm = 1 ही ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्स एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये वाई वाई डैश हो गया, ठीक। चलिए अब गौर करेंगे कि रेंज कहां तक ले लेनी है, तो एक्स एक्सिस पे देखो बच्चों, प्लस की बड़ी से बड़ी संख्या 3 है और माइनस की 2 है, तो मतलब कम से कम 4 वैल्यूज लिख लो, तो मैंने 5 लिख ली, कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्सिस पे देखो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, समझ में आ गया। वाई एक्सिस पे प्लस में देखो 8 तक है और माइनस में बड़ी से बड़ी संख्या ये 1.25 है, 1.25, ठीक है, तो मतलब 2-3 तक लिख लो तो चलेगा माइनस में। तो एक्सिस में, वाई एक्सिस में प्लस में तो देखो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिख लिया, ऊपर यहाँ तक 8 है, और माइनस में 3-4 वैल्यूज लिख लिया हमने, क्लियर है। अब प्लॉटिंग करनी है, पहला पॉइंट है बच्चों एक्स में -2 वाई में 8, एक्स में -2 ये रहा और वाई में 8, देखो एक्स में -2 की सीधाई में, वाई में 8 ये रहा, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया -2, 8, पहले x वाला लिखना है कॉमा डाल के फिर y वाला ब्रैकेट में, ठीक। चलिए सेकंड पॉइंट -1 और 7, तो देखो x में तो -1 ये रहा और इसकी सीधाई में चलेंगे ऊपर, y में 7 ये आ गया, तो ये आ गया -1 और 7, x वाला पहले y वाला बाद में। फिर तीसरा है x में 0, अगर x में 0 है तो ये बच्चों y एक्सिस पे आएगा और -1.25, तो देखो y एक्सिस पे माइनस की वैल्यू नीचे है 1.25, अब देखो ये -1 रहा, ये -2, अच्छा 1 और 2 के बीचों बीच बिल्कुल ये जो पॉइंट है सेंटर पे, ये डेढ़ -1.5, और -1.5 और 1 के बीचों बीच की एक और पॉइंट है ये -1.25, सवा एक होना चाहिए, तो मतलब 1 और 2 के बीच की दूरी के 4 बराबर हिस्से कर लेंगे, तो ये तो बिल्कुल आधा हो गया और इस आधे का भी आधा सवा एक हो गया, तो ये हो गया -1.25, तो x एक्सिस में तो 0 हो गया x कोऑर्डिनेट और y में हो गया -1.25, क्लियर है। चौथा पॉइंट हमारा x एक्सिस पे 1 y पे 3, तो x एक्सिस में 1 देखो ये रहा और y एक्सिस में 3 ये रहा, तो 1, 3 हो गया 1, 3। उसके बाद पांचवा पॉइंट हमारा x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे -1, तो x एक्सिस पे 3, x एक्सिस पे 3 कहां है बताओ, ये रहा देखो, और y एक्सिस पे क्या देखो -1, तो नीचे है -1, तो 3 की सीधाई में और इधर -1 की सीधाई में, ये वाला पॉइंट हमारा 3, -1। तो इस प्रकार से बच्चों हम कोई भी कोऑर्डिनेट यदि हमको देते हैं बच्चों, तो हम क्या उसको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट
कर सकते हैं, क्लियर है। आप इसको ग्राफ पेपर भी ले लोगे तो ये आपको मिलीमीटर वगैरह में इजीली समझ में आ जाएगा। तो 1.25 पता समझ आएगा, 2.5 मिलीमीटर पे, 1 के नीचे 2.5 mm और आगे ले लेंगे तो उसकी सीधाई में आ जाएगा ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट हमने माइनस में लगाया, क्लियर है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है सिंपल सा ये खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, वो भी ग्राफ वाला है, प्लॉटिंग वाला है। तो उसके लिए आपको बच्चों ग्राफ की नोटबुक लगेगी, तो आप एक काम करेंगे या तो 10-20 पेज जिसमें ग्राफ पेपर हो वैसी नोटबुक ले लेंगे, लूज ग्राफ पेपर भी ले सकते हैं, तो उसके साथ रेडी रहेंगे। तो एक दो दिन में वो वीडियोस भी आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ तक आप अच्छे से नोटबुक में नोट कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।